जुहार एवरीवन, आज मैं फिर से आपके साथ संथाली समाज के महापर्व की वीडियो शेयर करूंगी। इसका पार्ट वन मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है कि महापर्व की हम तैयारी कैसे करते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए और उस वीडियो को इंजॉय करें। तो चलिए फिर आज हम पार्ट टू देखते हैं कि हम लोग महापर्व के दिन प्रोग्राम कैसे मनाते हैं। हमारे यहाँ महापर्व था 24 मार्च को। तो जैसे कि आपको पहले ही बताया था, पर्व वाले दिन हमारे यहाँ गोबर से लिपाई और पानी से सफाई होती है। ये होने के बाद इस पे चावल के आटे से इस तरह की अल्पना बनाई जाती है। अभी सुबह के लगभग 8-9 बज रहे हैं और कुछ बच्चे और बड़े लोग नहाकर रेडी हो रहे थे। ये मेरे बड़े पापा हैं जो नीचे जहरथान की तरफ जा रहे हैं, उसी के साथ ये बड़ी मम्मी हैं और भी बाकी लोग जा रहे हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ सब नीचे कहाँ जा रहे हैं। मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको बताया था कि नीचे है हमारा अखाड़ा और देखिए यह लगभग पूरा डेकोरेट होके कंप्लीट है। इसी के बगल में है हमारे नायके बाबा का घर। अब आप ये सोच रहे होंगे हम नायके किसे कहते हैं। हमारा जो पूजा स्थल जाहिर थान है उसमें जो पूजा करते हैं उन्हें ही हम नायके कहते हैं। अभी माइक में अनाउंसमेंट करके सभी लोगों को लगभग यहाँ जमा कराया जा रहा है ताकि नायके बाबा और बाकी लोगों को जाहिर थान तक ले जाया जा सके, क्योंकि पूजा वहीं होगी। तो ये जो व्यक्ति हैं ये अपना अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लगभग सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नायके बाबा का घर है और इनको यहाँ से ले जाते हुए जाहिर थान तक ले जाया जाएगा। इनके अलावे यहाँ पे और भी लोग हैं और भी पूजा के सामान हैं। तो इसमें महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, हमारे यहाँ ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं और ऐसे ही नृत्य करते हुए इन्हें जाहिर थान तक ले जाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चियों ने भी साड़ी पहनी हुई है और ये बहुत प्यारी लग रही हैं। ये कुछ लोग अब इन्हें जाहिर थान तक छोड़ के आएंगे। मैं और भाभी वापस लौट गए अपने घर को। तो जैसे ही मैं घर पहुंची मैंने देखा बगल वाले जीजा जी मछलियाँ पकड़ रहे हैं, वो भी अपने किसी देसी जुगाड़ के साथ। तो देखिए उन्हें छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ी हैं। दोपहर को सभी छोटे लड़के और बड़े लोग नहा धोकर रेडी होते हैं, धोती पहनते हैं और जाते हैं जाहिर थान, क्योंकि वहीं पर हमारा खिचड़ी यानी कि भोग बनेगा। वो वहीं पर जाके इस दिन दोपहर को खाना खाते हैं। घर के सभी जेंट्स लगभग वहीं जाते हैं दोपहर का भोग खाने। इस समय सिर्फ जेंट्स जाते हैं, महिलाएं घर पर ही खाना खाती हैं। आप ये देख सकते हैं ये है हमारा जाहिर थान। ये वो जगह है जहाँ पे मेन पूजा की जाती है। अभी यहाँ पूजा हो चुकी है, अभी सिर्फ जेंट्स हैं जो पूजा होने के बाद यहाँ पे अब भोग खाएंगे। और जो महिलाएं घर पर हैं वो अभी तैयार होती है शाम को अखाड़ा में नृत्य करने के लिए। मैं अपने YouTube चैनल पर वैसे तो सारे वीडियोस हिंदी में शेयर करती हूँ, लेकिन जब बात हो हमारे संथाली समाज के कल्चर प्रोग्राम का तो मैं इसे दोनों भाषा में शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है संथाली में लोग इसे इंजॉय करेंगे और हिंदी भाषी जो हमारे कल्चर को नहीं जानते उन्हें भी हमारा कल्चर जानने का मौका मिलेगा। अगर मुझसे थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, और अगर आपको इससे बढ़िया नॉलेज है तो हमारे साथ भी शेयर कीजिए ताकि मुझे भी जानने का और बाकी लोगों को भी जानने का मौका मिले। यहाँ पर कुछ लोग मिलकर साल के फूल छांट रहे हैं, क्योंकि पूजा खत्म होने के बाद सभी लोगों को यही फूल दिए जाते हैं, जिसमें कि जेंट्स इसे कान पे और लड़कियाँ इन्हें जूड़ों पे लगाती हैं।
आप यहाँ देख सकते हैं जेंट्स इस तरह से प्रणाम करके फूल लेते हैं। लड़कियाँ कैसे लेती हैं वो आपके साथ मैं बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि आपको बताया ना कि जहर में अभी सिर्फ जेंट्स ही होंगे। हम सारी लड़कियाँ अभी घर पे तैयार हो रही होती हैं। अब लगभग भोग की खिचड़ी भी बनकर रेडी है, अब इसे उतारा जा रहा है। उतारने के बाद सभी लोगों को पत्तल दिया जाता है, वो लाइन में लगते हैं, अपने पत्तल पे भोग लेते हैं, फिर जाहिर पे ही एक लाइन से बैठ जाते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सुंदर तरीके से एक लाइन पर बैठे हुए हैं, किसी को आने जाने की दिक्कत नहीं होती। ये कुछ लड़के बाद में आ रहे हैं जो लाइन में लग रहे हैं, ये पहले तो जाके वहाँ पूजा स्थल में माथा टेकेंगे, वहाँ से साल के फूल लेंगे और उसके बाद भोग खाने के लिए बैठेंगे। जहर पर जब खान पान चलता है तब हम महिलाएं रेडी होना स्टार्ट होते हैं। मेरी मेहंदी का भी रंग बहुत अच्छा चढ़ गया है, वीडियो लेने के चक्कर में मैंने सोचा ही नहीं था मैं क्या पहनूंगी, तो एंड टाइम में मैंने इसे डिसाइड किया है, तो चलिए फिर रेडी होते हैं। टड़ा, तो ये रही मैं। ज़्यादा मेकअप करना तो आता नहीं, सिंपल सा थोड़ा बहुत मेकअप पोत के रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस तो व्लॉगिंग करने पे ही था। ये रहा हमारा पाड़ा टोला। अब धीरे धीरे सारी लेडीज़ नीचे जहर थान की ओर जा रही हैं, और आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी बच्चियाँ साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये रहा हमारा अखड़ा, ये पूरी तरह से डेकोरेट होकर रेडी है, बस शाम होने की देरी है जहाँ पर लाइटें जलेगी। तो चलिए आपको नीचे जहर थान की ओर लिया जाए। मैंने अपने पहले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि हमारा जहर थान किधर है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तुरंत जाइए और उस वीडियो को भी देख लें। ये रहा हमारे नायके बाबा का घर, लास्ट में उन्हें अभी जहर थान से लाते टाइम वापस यहीं लाया जाएगा। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे की ओर। जहर पहुंचने से पहले आप यहां देख सकते हैं महिलाओं के लिए भोग खाने की व्यवस्था की गई है, सब लोग यहीं पे भोग खा रहे हैं, साथ में पानी की भी व्यवस्था है। साथ में अगर कोई बाहर के भी लोग आ रहे हैं तो उन्हें भी प्रसाद मिल सके, इसलिए इसे यहीं ही रखा गया था। जैसे जैसे रात होती है यहाँ भीड़ और बढ़ने लगती है, सभी लोग यहीं से भोग खाने के बाद आगे जहर जाते हैं, जहाँ की थोड़ी देर नृत्य होता है। उसके बाद महिलाएँ नृत्य करते हुए हमारे नायके और बाकी लोगों को पूजा के सामानों के साथ वापस यहाँ घर ले आते हैं। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ जहर की तरफ। अभी रोड कच्चा ही है, आप आगे देख सकते हैं येलो कलर की बाउंड्री जो कि हमारा जहर है, और वो लेफ्ट साइड उसका गेट है। ये खेत के बीच में है और देखिए कितना सुंदर सा सनसेट दिख रहा है, और बाकी लोग भी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। ये रहा हमारा जहर का एंट्रेंस गेट। अब आप देख सकते हैं जहर के अंदर महिला और पुरुष दोनों ही हैं। अब देखते हैं लड़कियों को फूल कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले लड़कियां इस तरह से प्रणाम करती हैं, फिर अपने आंचल में फूल लेती हैं, फिर इसी फूल को हम अपने बालों में लगाते हैं। ये यहाँ साइड में अलग से लड़कियों की लाइन है, ये यहीं पे लाइन लगकर फूल ले रही है, और इसी जगह पर अभी थोड़ी देर में नृत्य स्टार्ट होगा। यही है साल का फूल जिसे हम नायके से ब्लेसिंग के रूप में लेते हैं और अपने बालों में लगाते हैं। यहीं पर नृत्य होता रहता है जब तक कि और थोड़ी शाम ना हो जाए, उसके बाद फिर नायके को वापस ले जाया जाता है। कुछ लोग जाहिर में ही हैं और कुछ लोग वापस अखड़ा लौटने लगे हैं। अब देख सकते हैं लाइटें भी जलने लगी है और ये बहुत सुंदर दिख रहा है। और ये रहा हमारा अखड़ा, लाइट जलने के बाद ये मुझे बहुत सुंदर दिख रहा था। यहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे और जाहिर से नायके और बाकी लोगों का आने का इंतज़ार कर रहे थे।
सभी महिलाएं नृत्य करते हुए नायिके को वापस ला रही थी। आप देख सकते हैं रोड में इन्हें इसी तरह से वापस लाया जाता है। आप यहाँ कुछ महिलाओं को देख सकते हैं जो पानी लेकर तैयार है, क्योंकि जब नायिके और बाकी लोग वापस आते हैं तो इनके पैर धोए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नायिके और बाकी लोग घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर दोबारा एक बार उनके पैर धोए जाएंगे सभी के। बाकी नृत्य करने वाले लोग साइड में और बाहर में नृत्य कंटिन्यू रखते हैं। अब चलिए यहाँ से बाहर चलते हैं अखाड़ा की ओर, वहाँ का हाल लिया जाए। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि चलने की ठीक से जगह भी नहीं मिल रही थी। अब इसी अखाड़ा में सारी महिलाएं हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट की धुन में नृत्य करती हैं। यहाँ पर इसी तरह से पूरी रात भर नाच गान चलता रहेगा। अखाड़ा के बाहर में कई सेल्फी स्पॉट थे जहां पर काफ़ी भीड़ थी। मैं आपके साथ जल्द ही एक और नया वीडियो शेयर करूंगी, जिसमें कि बहा के बाद हम होली कैसे मनाते हैं ये आपको बताऊंगी। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी, चलिए आपको अपना गांव दिखाया जाए कि रात की लाइटिंग में ये कैसा दिख रहा था। मानती हूँ वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा और हमारे कल्चर को जानने की कोशिश की। जोहार।